जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सुमान नवाज एंड आई एम अ प्रो बार्बर एथलीट एंड कोच। सो गाइस, हमेशा मैं आप लोगों के लिए फिटनेस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल और दूसरी फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन आज एक कुछ नई चीज लेके आया हूँ जो कि मैंने अपना फर्ज समझा कि मैं अपने भाई के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि ये मसला मेरे साथ भी बहुत था और मैंने देखा है कुछ लोगों के साथ भी है। मसला ये है कि जो फेसबुक है, ये देखिएगा, ये फेसबुक है तो इसमें ये रील्स के नाम का ये ऑप्शन है, ठीक है, और ये कुछ मोबाइल्स में आता है और कुछ मोबाइल्स में नहीं आ रहा। तो वो कौन, पहली बात तो ये है कि वो कौन सी आईडीज हैं या कौन से मोबाइल हैं जिसमें ये रील्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, और वो कौन सी आईडीज और कौन से मोबाइल हैं जिनमें रील्स का ऑप्शन आ रहा है। तो पहले बताता चलूं कि मैंने जहां तक, क्योंकि मैंने बड़ी भागदौड़ की, मैं यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूं, टिकटॉक पे भी काम कर रहा हूं और तमाम सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूं, तो मैंने बहुत भागदौड़ की इसके लिए, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई इसमें मोबाइल का कोई अमल दखल नहीं है। कोई भी मोबाइल हो वो रील्स का जो है ऑप्शन देगा, लेकिन इसमें आईडीज का मसला होता है कि फेसबुक आईडीज कुछ ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल जो जैसे मेरी आईडी 2009 की थी, यानी कि 2012 से पहले की जो आईडी थी ना फेसबुक आईडी, उसमें स्टेप बाय स्टेप रील्स का ऑप्शन आ रहा है, लेट आ रहा है, लेकिन जो आईडीज न्यू है या बिल्कुल ब्रांड न्यू है उनमें नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जो आईडी है मेरी, ये पार्कोर एक्स, मैंने इस पे बेसिकली आपको इंप्लीमेंट करके दिखाना था सारा प्रैक्टिकल, इसलिए मैंने वीडियो बनाने से पहले ही एक आईडी न्यू बनाई है। इस आईडी को बनाए सिर्फ 5 से 6 मिनट हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने इस आईडी को बनाया ऊपर रील्स का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे साइड पे रील्स का ऑप्शन आ गया, और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से सारी वीडियो रील्स जो है यहाँ पे चल रही है, रील्स आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी न्यू आईडी बनेगी, जब भी आपकी न्यू आईडी बनेगी उसमें रील्स का ऑप्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पुरानी आईडी वाले जो बंदे हैं उनको रील्स का ऑप्शन नहीं आता। तो अब मैं आपको बिल्कुल मोबाइल जो है के ऊपर मोबाइल रख के सारा प्रोसीजर किस तरह से मैं रील का ऑप्शन लेके आया हूँ और किस तरह से हर मोबाइल में, यहाँ तक कि आईफोन में भी रील्स का ऑप्शन आ गया। इस वक्त मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग आईफोन में हो रही है, नहीं तो मैं उसमें भी रील्स का ऑप्शन दिखा देता। आपने एक जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रोसेस से वर्क करना है, 1000 times कन्फर्म है, 100% प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से रील का ऑप्शन आ रहा है। अब प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी भाभी का फोन है, ये भाभी के फोन के अंदर आप देख सकते हैं कि उनकी आईडी चल रही है, ठीक है। अब इस आईडी में रील्स का ऑप्शन नहीं है, आप अच्छी तरह से देख लें, कहीं भी रील्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, बस मेरी रील शो हो रही है कि मैंने ये रील अपलोड की है, क्योंकि मेरा मेरी फ्रेंड है साथ, तो ये शो हो रही है, लेकिन रील की वीडियो शो नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि रील्स का ऑप्शन ना होने की वजह से वो रील भी नहीं यहाँ शो करवा रहा। तो इंशाल्लाह अभी मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इस मोबाइल में रील का ऑप्शन लेके आएंगे। सो गाइस, अब चलते हैं पूरे प्रोसेस की तरफ, शुक्रिया। सो गाइज, आप लोगों को मैं बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ दिखाने लगा हूँ। पहले आप आईडी देख सकते हैं, इसमें किसी किस्म के रील का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नीचे किसी की अपलोड हुई है रील्स हैं तो वो भी शो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक हो गया। सो अब हम लाइव प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर आपने ऑन करना है, प्ले स्टोर में आपने जाके सर्च करना है फेसबुक स्टूडियो, क्रिएटर स्टूडियो, ठीक है, फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, ठीक है गाइस। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, बेसिकली यार दोनों मोबाइल्स में दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट चल रहा है, सो आई डोंट थिंक सो कि इसकी इतनी स्पीड होगी, सो बस ये डाउनलोड हो जाए, इंशाल्लाह मैं आपका इसको अगला प्रोसेस सिखाता हूँ। इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, जिस वजह से मैंने पहला पार्ट जो स्किप कर दिया इसकी डाउनलोडिंग का, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, तो अब इससे फर्दर जो है हम चेक करते हैं कि किस तरह से हम इसको इससे काम ले सकते हैं। जस्ट इंस्टॉलिंग बेसिकली आई एम नॉट अ यूट्यूबर लाइक द अदर्स, मैं बस स्टंट्स और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ डालता हूँ। तो इतना इंस्टॉल हो चुका है क्रिएटर स्टूडियो, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरा कोई भी किसी किस्म का फेसबुक पेज नहीं है इस आईडी पे, तो भाभी ने कोई नहीं बनाया हुआ। लेकिन गाइस, आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि आपने इसको जस्ट डाउनलोड करना है। जब इसको डाउनलोड कर लेंगे, चाहे आप आगे लॉगिन होते हैं नहीं होते, आपने छोड़ देना है। अब मैं यहाँ से पहले क्या करूँगा, अगर मेरी फेसबुक पहले ओपन है तो मैं उसको क्लोज़ कर लूँगा, जो भी चीज़ ओपन है उसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है।
सो गाइज उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे सो गाइज ये देखें रील्स का ऑप्शन आ चुका है आपके सामने है, ये देखें रील्स का ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ से आप जैसे चाहे मैं रील्स अपलोड कर सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया गाइज, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ऐसे पब्लिकली मैं अपलोड कर सकता हूँ शेयर रील। तो गाइज मैंने आप लोगों को प्रॉपर वे में प्रूफ करके दिखाया किस, जस्ट आपने वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, उसके बाद समझ लें वो क्रिएटर स्टूडियो है, तो वो स्टूडियो खुद ब खुद आपकी फेसबुक आईडी को कैच कर लेगा और उसके बाद आपके रील्स जो हैं वो खुद ब खुद आपकी आईडी पे शो हो जाएंगे। सो यू गाइज कैन सी के रील्स का ऑप्शन फाइनली यहाँ पे अवेलेबल है, रील्स क्रिएट रील्स ये वाला रील्स आ गया, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा ये थ्री लाइन्स पे जाएंगे, यहाँ भी रील्स का ऑप्शन आ गया है, सही है गाइज इस तरह से हर तरफ रील्स का ऑप्शन आ गया सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से। अब बेशक के मेरी भाभी का कोई पेज नहीं है, देखिए आप पढ़ सकते हैं, वी कुडंट फाइंड एनी पेजेस, चाहे पेज नहीं है और लॉग इन डिफरेंट एज, मैं ये सोच रहा था, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा होगा, तो मैं अभी चेक करने लगा था कि मैं किसी और आईडी से लॉगिन करूं जिसका पेज हो, या भाभी को किसी और पेज का एडमिन बना दूं, लेकिन उससे पहले ही मैंने चेक किया तो फेसबुक पे ये ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका था रील्स का, तो मैंने कहा यार क्यों ना वीडियो को शॉर्ट करते हुए गाइस को बता दें। सो गाइस सिर्फ आपने इस सॉफ्टवेयर को क्रिएटर स्टूडियो को इंस्टॉल करना है, तो उसके बाद लॉगिन करना है, जस्ट लॉगिन करने से ही आपको रील्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सो गाइस इंशाल्लाह इसी तरह से जब भी मेरे दोस्तों को मेरी ज़रूरत होगी, तो इंशाल्लाह इस तरह से ट्यूटोरियल और इस तरह की दूसरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में डालता रहूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।